अच्छा, क्योंकि मन चाहिए घरवाली मिले जरूरी तो नहीं, और बीवी के संग साली मिले जरूरी तो नहीं। भूल ना जाओ क्या वो रीत नजर आती है, मेरे होठों पे अपनी जीत नजर आती है। और अभिनव जी देखिए मत मुझको राम रहीम बन के, मुझ में क्या तुमको हनी फ्रीद कि दो बाबाओं की हालत देख, बोले बाबा रामदेव हर बाबा की दुकान चले जरूरी तो नहीं। रंग क्या होता है आप अधिक समझेंगे इनकी भूमिकाओं के लिए। ये दो पंक्तियां मैं और कहूंगा। एक कलमकार ने, एक नाटककार ने एक नाटक लिखा, उस पर उसने एक फिल्म शूट करी, बहुत अच्छी फिल्म बनाई गई। और जब वो नाटककार ने फिल्म बनाई और उस पर एक जब सर फिल्म रिलीज से पहले एक प्रीमियर शूट रखा जाता है कि उसकी कमियां जो भी कुछ तकनीकी कमियां वो देख के दूर कर ली जाएं, तो प्रीमियर शूट रखा गया, मुझे भी वहां बुलाया गया, नाटककार निर्देशक वो भी था। उसने मुझे हम जब बाद में बैक स्टेज जब हो गया, समापन हुआ उस प्रीमियर शूट का, हम लोग आपस में जलप्राण ग्रहण कर रहे थे, उसने मुझसे पूछा कि भाई ये फिल्म कैसी बनी है। अब मैंने उसे एक बात कही, मैंने कहा फिल्म बहुत अच्छी बनी है, सभी पात्रों ने अभिनय भी बहुत अच्छा किया है, पर इसमें एक कमी है। वो बोला क्या? मैंने कहा इसमें जो अंत है तुमने ये दिखाया है कि जो विलन है उस फिल्म में उसको आत्मगलानी होती है, वो गोली मार के खुद को आत्महत्या कर लेता है, फिल्म का क्लाइमैक्स ये तुमने दिखाया है, इसमें गोली मत दिखाओ, इसमें क्लाइमैक्स में ये दिखाओ कि उसने जहर खा के आत्महत्या करी। अब वो नाटक का थोड़ा चौंक गया, कह रहा भाभी सुनिएगा कि अगर मरना तो उसने गोली से भी है, मरना उसने जहर से भी है, फिर ये सलाह क्यों दे रहे हो कि वो गोली की जगह जहर खाए। मैंने कहा बात दरअसल ये है कि नाटक के अंत में गोली की आवाज से दर्शकों की नींद भी खुल सकती है, ये बात व्यंग की कही होती है। तो भाई व्यंग की अपना विशेष पहचान रखा, आप लोगों की तालियों के मध्य है भाई डॉक्टर प्रतीक गुप्ता जी को बताना चाहता हूं, आप आए और तमाम आपके बीच होते हैं। सर हंसा बहुत सकता हूं, आज बहुत हंसी मखौल बहुत हुआ है, आज देश की बातें बहुत हुई हैं, मैं आपको सारे रंग दिखाने की कोशिश करता हूं। दो तीन कवि बचे हैं, भूखे तो होंगे आप लोग, नहीं हो लग तो रहे हो, हम भी भूखे हैं। अंकुर जितने फेमस तुम हुए हो ना, जब वो नोटों पे लिखा था ना वो सोनम बेवफा है, इस इंस्टीट्यूशन में दीवारों पे लिखा जाएगा अंकुर बेवफा है, ताली बजाओ इसके लिए। कि हंसाता हूं कि गम सबके देख कर रह नहीं सकता। अब सारी बात छोड़ दो भाई साहब, ठीक है नहीं भाई, एक काम करो अंकुर का, ना ना एक मिनट अंकुर का, एक मिनट मैं क्यों दूं मौका, मैं ऐसा लग रहा बेटा मौका अपना खुद बनाना पड़े, और अगर अगर नर्सिंग करके भी तुमने मौका बनाना ना सीखा तो बेटा मौका कोई नहीं होगा, तेरा पड़ोसी बना के जो नू कहे ना मौका बना ले, मन मौका वो ही लेके जाएगा, ऐसा नहीं होता, मौका बनाना पड़ता। बैठ जा मेरे बच्चे बैठ जा भाई, सब मिलेगा। देखो मैं बात कहना चाहता हूँ, अंकुर के साथ में पड़ोसी को भी पकड़ लो थोड़ा सा, बेचारा कब तक उसकी लगाते रहोगे बेटा। देखो भाई साहब, वो भाई साहब बहुत धन्यवाद, आपने इस सोफे को सांस दी थोड़ी देर, इसी वजह से मैंने उसे बार बार छेड़ा कि आप उठ के जरूर देखोगे इस सोफे को सांस मिल जाएगी, भाई साहब के लिए ताली बजाओ एक बार जोर से। भाई साहब आप में और मुझ में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, हम भौगोलिक तरीके से दोनों बराबर से हैं। सर कैसे, मैं तो टीचर आदमी हूँ, मैं प्रूफ करता हूँ हर चीज़ को। भाभी जी रोटी बनाती हो, वो भी कह रहे हैं हाँ बनाती, मैंने खाई है, मैं बताऊँ रोटी कैसे बने। भाई साहब आप भी सीखो, आटा लो पानी डालो मांड लो, मांड के गोले बनाओ, गोले बना के चकले पे रखो, बेलन से बेल दो, प्रतीक गुप्ता तैयार। उसे उठाओ कढ़ाई में डालो, दो कड़छी खींच के इधर से पलट के दो कड़छी खींच के इधर से, भाई साहब तैयार। अब जाओ ताली, इतना ही फर्क है भाई साहब, बहुत फर्क नहीं है। कि हंसाता हूं कि गम सबके देख कर रह नहीं सकता,
कसता हूँ व्यंग क्योंकि बुराई सह नहीं सकता, मगर मजबूरियाँ मेरी भी शायद कुछ तो होती हैं। अब हर बात लफ्ज़ों में तो मैं भी कह नहीं सकता। अच्छी पंक्ति में ताली पड़ती है साहब। मैं भटनागर साहब बहुत प्रणाम करता हूँ, क्योंकि अगर आप चाहते तो यहाँ पर आसाराम जी का सत्संग करा सकते थे, अगर आप चाहते तो यहाँ पर निर्मल बाबा जी का समागम करा सकते थे, अगर आप चाहते तो यहाँ पर राम रहीम जी की गुफा बनवा सकते थे, पर आपने कवि सम्मेलन कराया, इससे सस्ता होता भी क्या? ताली बजाने वाली बात, थोड़ी ऊर्जा लेकर आओ। जो लोग आपको हंसा के गए हैं, कुछ अच्छी बात हम भी करके जाएंगे साहब। मैं आपको बता दूं, ये बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत प्रणाम करता हूं अंकुर, मैं तुम्हें विशेष प्रणाम करता हूं, क्योंकि जिस तरह लोगों ने आपको टारगेट किया, आपने टारगेट को स्वीकार किया। घबराओ मत, मैं भी करूंगा। सर, ये कॉलेज अच्छा क्यों है? क्योंकि यहाँ अच्छी पढ़ाई होती है। केवल यही बात नहीं है, यहाँ के जितने बच्चे हैं बहुत होनहार हैं, विद्वान हैं। ये किसने जाना? मैंने जाना। मैं सर बताऊँ परेशानी क्या थी? विमल जी ने मुझे फ़ोन किया, बोले आपको भटीपुरा कवि सम्मेलन में आना है। मैंने कहा आ जाऊँगा। मैंने कहा कैसे आऊँगा, मुझे रास्ता नहीं पता, पहली बार मैं आ रहा हूँ। तो बोले घबराना मत। मैंने घबराता था कभी नहीं हूँ, आप मत घबरा, मुझे रास्ता बताओ। उन्होंने एक काम कर लेना, बोले किठोर की तरफ जाओगे, जाकर वहाँ पर किसी भी लड़के से पूछ लेना, बता देगा कि उमा लोक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है। सर सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, मैं साधारण आदमी हूँ। मैं चला भाई साहब, किठोर वाली रोड पर आया, यहाँ रुका, कन्फ्यूज़ हो गया। दिखने में भी कन्फ्यूज़ लग रहा हूँ आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं यहाँ रुका, मुझे अंकुर मिल गया। मैंने कहा भैया? बोले हाँ। मैंने कहा मुझे उमा लोक जाना है। तो बोला जाओ। मैंने कैसे जाऊँ? बोला गाड़ी से। और मैंने भैया रास्ता बता, रास्ता तो बोले सीधी सीधी बात करो ना, अंग्रेजी क्यों झाड़ रहे हो? मैंने कहा अब समझ में आ गया तो अब बता दे। बोले एक काम करो। बोले क्या? बोले कि रास्ता जा रहा है। मैंने कहा जा रहा है? बोला पकड़ लो। मैंने भैया पकड़ लिया। बोले रास्ते पे आगे जाना। मैंने कहा चले गए। बोले रास्ते पे आगे जाके तीन गलियां आएंगी। मैंने कहा आ गई। बोले दो छोड़ देना, तीसरी पकड़ लेना। मैंने भाई पकड़ ली। बोले गली के अंदर जाना। मैंने कहा चले गए। बोले आगे जाके तीन मकान आएंगे। मैंने कहा जी आ गए। बोले दो छोड़ देना, तीसरा पकड़ लेना। मैंने पकड़ लिया। बोले मकान के अंदर जाना। मैंने कहा चले गए। बोले अंदर तीन कमरे होंगे। मैंने कहा मिल गए। बोले दो छोड़ देना, तीसरा पकड़ लेना। मैंने पकड़ लिया। बोले कमरे के अंदर जाना। मैंने कहा चले गए। बोले उसके अंदर बैठे होंगे माननीय भटनागर साहब। मैंने कहा बैठे हैं। बोले उन्हीं के सर पे हाथ रख के कसम खा के कह रहा हूं, मुझे नहीं पता ये कॉलेज कहां है। सर बिल्कुल सही शिक्षा चल रही है। वो तो मेरे पास जीपीएस था, पढ़ा लिखा आदमी, मैंने जीपीएस लगाया, अंदर पहुंच गया। समस्या यहां नहीं हुई, समस्या वहां हुई जब मैं इस कॉलेज के गेट पर पहुंचा। इस कॉलेज के गेट पर पहुंचते एक भिखारी ने पकड़ लिया। बोले कहां जा रहे हो? कवि सम्मेलन में जा रहे हैं। बोले ठीक है 2 रुपये निकालो। मैंने 2 रुपये? भाई क्या करेगा? बोले 2 रुपये की चाय पीऊँगा, चाय। वो मैंने कहा इश्क के भिखारी, 2 रुपये में कोई चाय आती है? मैं तुझे चाय पीने तो 5 रुपये मांग, 5 रुपये। अगर भटनागर साहब उस भिखारी ने सही जवाब दिया हो तो एक एक ताली मेरे पास आनी चाहिए। उसने कहा साहब 5 रुपये चाय के क्या, मैं तो आपसे मांगने को चाय के 10 रुपये मांग सकता हूँ, मैं तो मांगने को आपसे कॉफ़ी के 20 रुपये मांग सकता हूँ, पर मैं आदमी की औकात देख के मांगता हूँ। जो पहली पंक्ति में बाहुबली बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो दूसरी पंक्ति में कटप्पा बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो अपने घर से पिट कर आए हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो घर जाकर पिटेंगे मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो अपने आप को घर के बाहर मोदी समझते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन जो घर वापिस जाके मनमोहन सिंह बन जाते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को कराने के लिए चंदा दिया मैं उनका सम्मान करता हूँ, और जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को कराने के लिए चंदा देने का वादा किया और बस केवल वादा ही किया मैं उनका सम्मान करता हूँ, जिनकी 14 फरवरी आज 20 फरवरी को बन रही है मैं उनका सम्मान करता हूँ, जिनकी 14 फरवरी अगले 14 फरवरी तक बन नहीं पाएगी मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो केवल अपने दिल के दुखड़े रो रो कर इस कविता में सुन सुनकर हंसकर यहाँ पर बैठे मैं उनका सम्मान करता हूँ, जिन्होंने अपने दुपट्टे से अपने आंसू पोंछ डाले मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि 14 फरवरी उनके भी जीवन में कोई रंगत लेकर आएगी मैं उनका सम्मान करता हूँ, जिनका कहीं कोई सम्मान नहीं होता मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो अपने आप को अपने शीशे में देखकर अपना अपमान करना उचित समझे मैं उनका सम्मान करता हूँ। इसका मतलब मैं आए हर इंसान का चुन चुन कर सम्मान करता हूँ, और अगर आपको लगे मैंने आपका सही सम्मान किया, एक बार ताली बजा के मेरा सम्मान। वो कह रहे छोटा कर दो,
माइक छोटा कर दूं, मतलब क्या कर दूं साहब, मैं तो बहुत सारी बात सुनाने के लिए आया था। बोले कि भटनागर साहब अगली बार बुला लेंगे, बाकी बात सुना लेना, क्योंकि जो कम पेमेंट में ज़्यादा माल सुना गए हैं सर। बोले उल्टा कर दो, ज़्यादा पेमेंट वाले कम सुना दो। भाभी जी आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? सर मैं ओरिजिनल कवि हूँ, मैं चार पंक्ति रखना चाहता हूँ। भाभी जी मुझे बहुत प्यार से देख रही है, मैं चरण वंदन करता हूँ, मैं चार पंक्ति रखना चाहता हूँ और आप लोगों का प्यार मुझे मिले। मैं कम शब्दों में बड़ी बात करके जाना चाहता हूँ, आप लोगों का प्यार मिलना चाहिए। अंकुर ध्यान देना। मैं तो सीधा हूँ, कभी ना किसी से लड़ता हूँ। इतना सीधा कहाँ मिलेगा साहब, मैं तो सीधा हूँ। मैडम आप भी सुनो ध्यान से, आप भी सुनना, आपने बोला था ना माइक वाइक को चल गया, आप भी सुनो ध्यान से। मैं तो सीधा हूँ, कभी ना किसी से लड़ता हूँ। मैं तो सच्चा हूँ, झूठ कहने से भी डरता हूँ। और भाभी जी देखिए मत मुझको प्यार से इतना, मैडम जी देखिए मत मुझको प्यार से इतना, मैं भी कह दूंगा प्यार मैं भी तुमसे। सीधा आदमी हो, शुरुआत करता नहीं हो, कोई करता तो मना करता भी नहीं। अभिनव जी आप मुझे प्यार से क्यों देख रहे हो? ताली बजाओ तो चार पंक्ति मैं भाई साहब के चरणों में भी रखना चाहता हूँ। भूल ना जाओ क्या वो रीत नजर आती है, मेरे होठों पे अपनी जीत नजर आती है। और अभिनव जी देखिए मत मुझको राम रहीम बन के, मुझ में क्या तुमको है निवृत। और कि मान बांटता हूँ सम्मान बांटता हूँ मैं, कि मान 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 बांटता हूँ सम्मान बांटता हूँ मैं, सच्चा सुंदर टिकाऊ ज्ञान बांटता हूँ मैं। और मेरी माँ ने सिखलाया है एक हुनर मुझको, कि मेरी 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 माँ ने सिखलाया है एक हुनर मुझको, अपने शब्दों से बस मुस्कान बांटता हूँ मैं, अपने शब्दों बस मुस्कान बांटता हूँ मैं। और समय कम है, माइक की अंतरात्मा परमात्मा तक पहुँच गई है। मैं एक कविता साहब को जोड़ना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ प्यार लेके जाऊँ, हंसा सकते हैं तो हम जगा भी सकते हैं। मैं एक अच्छी कविता रखना चाहता हूँ, आप लोगों का प्यार आशीर्वाद मिले, एक बार जल्दी ताली बजाओ। बहुत सरल सी कविता है, 3 मिनट में खत्म करता हूँ मैं सारी बात में। एक वो कवि जो मुझे बहुत पसंद है जिसका नाम मोहन मुंतजीर है, मैंने तमाम मंच साझा करे हैं, वो कवि जिसने उखड़े हुए मंच को जमा दिया। सर शायद देश का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पर मोहन मुंतजीर की आवाज़ नहीं पहुंची हो। बहुत कम ऐसे कवि होते जिनका मैं प्रशंसक होता हूं। आपका सौभाग्य कि आपको एक बड़ा कवि सुनने को यहां मिलेगा। विमल जी मैं आपका धन्यवाद देता हूं, आपने बहुत अच्छे अच्छे कवि बुलाए हैं, मैं आपको बिल्कुल धन्यवाद नहीं देता हूं, बाहर मिलना। मैं एक कविता सुनाना चाहता हूं, अगर आप मेरे साथ जुड़ोगे तो मैं भी आप लोगों का प्यार लेके जाऊंगा। एक अच्छी कविता, कविता में बस आपको हर पंक्ति के एंड में एक बात बोलनी है जिसका नाम है जरूरी तो नहीं। मैं एक अच्छी कविता देकर जाऊंगा, माता जी आप भी जरूर बोलेंगे, आपने शुरू से कुछ नहीं बोला, बोलोगे क्यों, हम कवि हम बोल रहे हैं, आप सुनो। कि जरूरी तो नहीं, जरूरी तो नहीं, जरूरी तो नहीं, भाई साहब बैठ जाओ, डर सा लग रहा, जा रहे थोड़ी देर में हम, ऐसा मत करो। ओ भाई साहब डंडे वाले भाई साहब, अच्छा डंडा वंडा बुलवा रखा आपने तो, और चक्कर है सर वो कोरोना काल चल रहा था, शादियाँ हो रही, शादी भी हो रही हैं और कोई बुला भी नहीं रहा। पहले तो सारे कार्ड आते सर 20-25 तो आपके पास भी आते होंगे, अब दो कार्ड भी नहीं आ रहे। वहीं से मैंने पंक्तियों की शुरुआत करी और आप लोगों का मुझे प्यार मिलेगा। कि जरूरी तो नहीं, जरूरी तो नहीं, जरूरी तो नहीं कि शादी का न्योता हर साल मिले, तुम्हें पैसे देने पड़े ना, बोलते क्यों ना हो। जहां पंक्ति रोकूं वहीं एक बात बोलनी है, जरूरी तो नहीं कि शादी का न्योता हर साल मिले, उसमें टिक्की डोसा मखनी दाल मिले। कि शादी का न्योता हर साल मिले, जरूरी तो नहीं उसमें टिक्की डोसा मखनी दाल मिले, जरूरी तो नहीं। और शादी के लिफाफे में रख तो दिए ₹1100 के लिफाफे में रख तो दिए ₹1100 पर दावत में बढ़िया माल मिले, जरूरी तो नहीं, जरूरी तो नहीं। और क्योंकि एक पहला मंच में ऐसा देख रहा हूँ जहाँ पर सास बहू साथ में बैठी हैं, मैं चार पंक्ति देखना चाहता हूँ कि संस्कारी घर की बच्ची मिले। संस्कारी घर की बच्ची मिले, जरूरी तो नहीं सुंदर सुशील और सच्ची मिले, जरूरी तो नहीं। और देखभाल के करी शादी बेटे की, मगर
देखभाल के करी शादी बेटे की, मगर सास को बहू अच्छी मिले जरूरी तो नहीं। ताली वाली कौन बजाएगा भाई? जरूरी तो नहीं, जरूरी तो नहीं। और एक अच्छी पंक्ति कहना चाहता हूं, जब मेरी बात आए कि मैं हास्य व्यंग करता हूं, अगर हम हंसा सकते हैं तो हम अच्छी बात भी कह सकते हैं कि राजनीति में ऊंचा कद मिले जरूरी तो नहीं, कि राजनीति में ऊंचा कद मिले जरूरी तो नहीं, और मंत्री बनने की हद मिले जरूरी तो नहीं। और घिस जाती हैं चप्पलें अडवाणी और जोशी जी की, घिस जाती हैं चप्पलें अडवाणी और जोशी जी, फिर भी राष्ट्रपति का पद मिले जरूरी तो नहीं, जरूरी तो नहीं। और मैं एक अच्छी पंक्ति कहना चाहता हूं साहब, कि आपका विशेष ध्यान चाहूंगा भाई साहब, बहुत प्यार से आप सुन रहे हो, कि हनीप्रीत जैसी जान मिले, मैं क्या करूं, नहीं मिली, कोशिश करते रहो, एक दिन मिलेगी। अंकुर ने बोला अकेला ही काफी है, मिलेगी अंकुर, कि हनीप्रीत जैसी जान मिले, गुफा वाला मकान मिले, बोलना पड़ेगा, ताली बजानी पड़ेगी, हनीप्रीत जैसी जान मिले जरूरी तो नहीं, और गुफा वाला मकान मिले जरूरी तो नहीं। और दो बाबाओं की हालत देख बोले बाबा रामदेव, मैं राम नहीं लूंगा वरना आप समझ जाओगे मैं आसाराम जो राम रहीम की बात कर रहा हूँ, कि दो बाबाओं की हालत देख बोले बाबा रामदेव, हर बाबा की दुकान चले जरूरी तो नहीं। और एक, क्योंकि मैं नर्सिंग कॉलेज में होता हूँ तो एक अच्छी पंक्ति कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं टीचर हूँ तो मेरा जरूरत पड़ती है कि मैं आपको एक अच्छी बात कहकर जाऊँ, कि हॉस्पिटल में पहचान मिले सर, हॉस्पिटल के लिए कॉलेज चलाना अलग बात है, पर अगर घर में कोई बीमार हो और उसे अगर अच्छे हॉस्पिटल में एडमिशन दिलाना हो तो कितनी दिक्कतें आती हैं आप जानते हैं। शायद मैंने बहुत अच्छी पंक्ति का चयन किया हो, ये आपकी तालियां बताएंगे चौथी पंक्ति पर, कि मेरा यहाँ तक आना सफल हुआ नहीं हुआ, तब मुझे आपका आशीर्वाद मिलेगा तालियों के रूप में, कि हॉस्पिटल में पहचान मिले जरूरी तो नहीं, कि हॉस्पिटल में पहचान मिले जरूरी तो नहीं, और ग्लूकोज इंजेक्शन में ईमान मिले जरूरी तो नहीं। इन बच्चों को अकल है, तुम भी सीख लो। सर, कोविड की वैक्सीन आ गई है, लोग खुश हैं, इतने खुश हैं लगे नहीं किसी को मास्क उठा के फेंक दिया सबने, इतने खुश हैं कि आप उस इंजेक्शन को रुहावजा भर के भी लगा देगा ना तो भी खुश हैं कि हाँ भाई इंजेक्शन आ गया। तब कहता हूं कि हॉस्पिटल में पहचान मिले जरूरी तो नहीं, और ग्लूकोज इंजेक्शन में ईमान मिले जरूरी तो नहीं, और टेस्ट और दवाओं में खाया कमीशन मगर, कि टेस्ट और दवाओं में खाया कमीशन मगर, अब डॉक्टर में भगवान मिले जरूरी तो नहीं, जरूरी तो नहीं। ये कविता की ताकत होती है, अगर हंसा सकते हैं तो अच्छी पंक्ति पर भी ताली बज सकती है। मैं बहुत प्रणाम करता हूं, मैं सैल्यूट करता हूं, और बस मैं एक दो मुद्दे कहकर मैं अपना स्थान लेना चाहता हूं, कि गरीब को हक और मान मिले जरूरी तो नहीं। बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं साहब राजनेताओं की, लेकिन असलियत हम जानते हैं। तब मैं अच्छी बात करने की कोशिश करता हूं, कि गरीब को हक और मान मिले जरूरी तो नहीं, रोटी कपड़ा मकान मिले जरूरी तो नहीं, कि गरीब को हक और मान मिले। सर, मैं प्रणाम करना चाहता हूं, ये आपके संस्कार हैं, क्योंकि आप, मैं देखता हूं तमाम कॉलेज में जानता हूं, मैं खुद कॉलेज में पढ़ाता हूं, आपको लग नहीं रहा होगा मैं 18 सालों से अध्यापन क्षेत्र में हूं, 19 साल मेरे को चल रहा है, आपको लग नहीं रहा होगा, क्योंकि छोटी उम्र में इतना हंसी गुल नहीं खिलता, अपवाद हूं मैं मुझसे कभी यूं नहीं मिलता, और संतूर से नहाता हूं मैं शाम सवेरे, त्वचा से मेरी उम्र का पता नहीं चलता। सर, संस्कार है तभी आप कविताओं को जानते हैं, साहित्य को जानते हैं। तब मैं अच्छी पंक्ति कहने की कोशिश करता हूं, कि गरीब को हक और मान मिले जरूरी तो नहीं, और रोटी कपड़ा मकान मिले जरूरी तो नहीं, और बेटी बचाओ आगे से मत करना ऐसा काम, नर को पहना ए नरमाला ये भी गजब सलीका है, नर को पहना ए नरमाला ये भी गजब सलीका है, और जनसंख्या कम करने का ये सबसे अजब तरीका है। गरीब को हम, मोनिका जी आप पहना सकती हो,
मैं प्रणाम करता हूँ कि गरीब को गरीब को गरीब को हक और मान मिले। सर मैं छोटा करना चाह रहा हूँ, बीच में एलिमेंट आ रहे हैं कि गरीब को हक और मान मिले जरूरी तो नहीं, और रोटी कपड़ा मकान मिले जरूरी तो नहीं, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगते गए बहुत सारे। बेटियों की मुझे ताली चाहिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगते गए बहुत। हर बेटी को सम्मान मिले जरूरी तो नहीं, जरूरी तो नहीं। और अंतिम चार पंक्ति देकर अपना स्थान लेना चाहता हूं। मेरे हिस्से की जितनी ताली हो मुझे देकर विदा करिएगा। कभी मौका लगेगा तो भटनागर साहब दोबारा आऊंगा, आपको भरपूर हंसा के जाऊंगा, जगा के जाऊंगा। अंतिम चार पंक्तियां कि मन चाही घरवाली मिले, अभी आपने क्यों बोला जरूरी तो नहीं भाभी जी, ठीक कर देना। मन चाही घरवाली मिले, हाँ बड़ी मिलनी तो नहीं, जलूली तो नहीं, जलूली तो नहीं है। अभी से तेवर देख लो, जलूली तो नहीं, जलूली तो नहीं। अबे कहाँ जलूली, पहले जो उन्होंने बता के गया ना, पहले वो सेट करना, फिर बताना, फिर वो करना, 14 फरवरी, फिर 15 फरवरी, उसके बाद है ना करते शादी। कि मन चाही घरवाली मिले जरूरी तो नहीं, और बीवी के संग साली मिले जरूरी तो नहीं। कि मन चाही मन चाही मन चाही घरवाली मिले जरूरी तो नहीं, और बीवी के संग साली मिले जरूरी तो नहीं। और बड़ी मेहनत से सुनाई लाजवाब कविता, मगर उस पे बावर ताली मिले।